नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला की रेसिपी आपके लिए। तो इस त्यौहार आप ज़रूर बनाएं इसे, और एक बार बनाएंगे तो इस रेसिपी को बाकी रेसिपी आप भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने लिया है इसमें 400 ग्राम पनीर, और मैंने काटा है इस तरह टुकड़ों में। इसे आप अपने मन चाहा शेप दे सकती हैं। और लिया है मैंने 4 मीडियम प्याज, इसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 4 टमाटर को भी मैंने इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। लिया मैंने 14 काजू, 4 से 5 हरी मिर्च, और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट बन जाए इतना अदरक, और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट बन जाए इतना लहसुन, और 2 तेज पत्ते। और लिया है मैंने 1/2 कप दही, और लिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे हम डालेंगे दही में, और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे जब तक दही और मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए मसाले मिक्स हो चुके हैं दही में, और इसे हम साइड में रखेंगे। कढ़ाई में मैं गरम करूँगी 3 चम्मच देसी घी। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं, देसी घी का टेस्ट बटर पनीर मसाले में बहुत ही अच्छा आता है। और ये गरम हो चुके हैं, और इसमें हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च, और डाल देंगे इसमें हम तेज पत्ते और लहसुन, और इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। और डाल देंगे इसमें कटे हुए प्याज को, और इसे भूनेंगे इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। ये देखिए लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं, और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। इस तरह मखनी ग्रेवी में भून करके प्याज बनाइए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये दही में मिक्स मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी धो करके भी डाल देंगे इसमें, और इसे चलाएँगे हम अच्छी तरह से। फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है, और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला जो मेरे घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, या आप बाज़ार का भी गरम मसाला ले सकती हैं। तो इसको डाल करके थोड़ा सा, और इसे हम चलाएंगे, सारे मसालों को मिक्स करेंगे एक दूसरे में। और इस समय डाल देंगे हम 1 क्यूब बटर। बटर पनीर मसाला है तो बटर तो बनता ही है, तो इस तरह से हम डाल करके बटर। और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, और इसे हम अब नहीं भूनेंगे, और डाल देंगे इसमें हम ये कटे हुए टमाटर और ये काजू, और डाल देंगे पानी इतना कि ताकि काजू और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और इसे हम ढक करके फुल फ्लेम करके पकाएंगे, और डाल देंगे 1 क्यूब बटर, और इसे हम ढक करके पकाएंगे जब तक टमाटर और काजू मुलायम नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, और काजू भी मुलायम हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इसे करेंगे ठंडा, बिल्कुल ठंडा, और तब हम इसे पीसेंगे बारीक पेस्ट। तब तक हम एक चॉपर में लिए मैं 1 प्याज, और इसे महीन महीन मैं कर लूँगी। आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं, इससे ये बहुत महीन हो जाते हैं। और ठंडे हो चुके हैं हमारे मसाले, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर के जार में, और इसे हम महीन पेस्ट बनाएंगे इस तरह से। जब तक हम बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि काजू जब पिसता है तभी ये बारीक इसके पेस्ट बनते हैं। आप चाहें तो इसे छान सकती हैं, और मैं इसे छानूंगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत तेज पत्ते निकाल करके और इसके बारीक पेस्ट बनाया है। और जब भी आप होटल या ढाबे पर खाने जाते हैं तो ये मखनी ग्रेवी इस तरह तैयार करके रखी हुई होती है, और जब हम ऑर्डर करते हैं तो तड़के के साथ हमें ये सर्व की जाती है। तो आप चाहें तो इसे बना करके फ्रिज में भी रख सकती हैं, और जब आपकी इच्छा हो तो आप पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला या चिकन बटर मसाला, जो भी ग्रेवी हो, तड़के के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस ग्रेवी के साथ हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला। तो कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बटर। तो बटर पनीर मसाला है तो बटर तो बनता ही है, और इसे हम मेल्ट करेंगे, और 2 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि बटर जले नहीं। तो बटर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, और इसमें हम डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और 3 से 4 लौंग, और इसे भी हम कुक करेंगे। और डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, ये तीखे नहीं होते हैं। और इस तरह बटर में हम इन्हें मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिर्च हमने पहले डाल चुका है। और अब डाल देंगे हम इसमें प्याज, और प्याज को डाल करके हम इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक बटर और प्याज अलग अलग ना हो जाए। तो ये देखिए तड़का हमारा बिल्कुल भून करके तैयार है, बटर में प्याज अलग हो चुके हैं, और इसमें अब हम डाल देंगे अपनी ये मखनी ग्रेवी।
और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे उबाल आने देंगे एक अच्छा सा, और इस तरह से हम मिक्स करेंगे मखनी ग्रेवी को। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है। और डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और इसे भी हम मिक्स करेंगे ग्रेवी में और धीमी आंच पर उबाल आने देंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है, बटर अच्छी तरह से ऊपर तैर रहे हैं और ये इसका चमक है कि जो बता रहा है कि ग्रेवी तैयार है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घर की मलाई फेंटी हुई या क्रीम, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ग्रेवी में। और अब डालेंगे हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है केवड़ा जेल, 2 ड्रॉप डालेंगे और खाने वाले आपसे पूछते ही रह जाएंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। ढाबे और रेस्टोरेंट पे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। और ये डालेंगे हम पनीर के टुकड़े और इसे चलाएंगे और ढक करके 2 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे गैस पे स्लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, पनीर हमारा सेट हो चुका है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और इस टेस्ट को बैलेंस करेंगे हम 1 चम्मच शहद, टमाटर के खट्टेपन और मिर्च के तीखेपन को बैलेंस कर दिया है शहद ने, इसे चलाएँगे। ये देखिए तैयार है और इसे सर्व करेंगे और सजाएंगे बची हुई थोड़ी सी क्रीम के साथ और धनिया की पत्ती के साथ। तो बन गई है बटर पनीर मसाले की रेसिपी आपके लिए, आप अपनों के लिए बनाइए और इस त्यौहार इंजॉय करिए अपनों के साथ। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए इसी तरह की अच्छी रेसिपी देखने के लिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।